नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। गौमांस पर भाजपा का विवादित विज्ञापन, नीतीश पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले भाजपा द्वारा सीमांचल सहित चुनाव वाले क्षेत्रों में गौमांस को लेकर प्रकाशित कराए गए विवादास्पद विज्ञापन पर नीतीश कुमार नीत महागठबंधन ने कड़ा ऐतराज जताया है। गठबंधन ने इसके विरुद्ध चुनाव आयोग में गुहार लगाने का फैसला किया है। भाजपा द्वारा प्रकाशित कराए गए इन विज्ञापनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि मुख्यमंत्री जी, आपके साथी राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव हर भारतीय की पूज्य गाय का अपमान बार बार करते रहे और आप चुप रहे। विज्ञापन में कहा गया है कि वोट बैंक की राजनीति बंद कीजिए और जवाब दीजिए, क्या आप अपने साथियों के इन बयानों से सहमत हैं? भाजपा द्वारा प्रकाशित इस विज्ञापन में लालू सहित राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के गौमांस को लेकर की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख किया गया है। शाहरुख और हाफिज मोहम्मद सईद की भाषा एक जैसी। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और साध्वी प्राची के बाद अब भाजपा सांसद महंत आदित्यनाथ ने भी शाहरुख खान पर निशाना साधा है। उन्होंने आतंकवादी हाफिज सईद से शाहरुख की तुलना करते हुए कहा कि दोनों की भाषा एक जैसी है। आदित्यनाथ ने कहा कि शाहरुख को यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर देश के बहुसंख्यक हिंदू उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर दें तो वे दूसरे मुसलमानों की तरह सड़क पर आ जाएंगे। दूसरी ओर कैलाश विजयवर्गीय अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके ट्वीट का गलत मतलब निकाला गया, हालांकि उन्होंने माफी नहीं मांगी। मोदी के मेक इन इंडिया के लिए ट्विटर ने बनाया ईमोजी। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के लिए एक विशेष ईमोजी यानी संकेतक जारी किया। सीतारमण अमेरिका की यात्रा पर हैं और सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर के मुख्यालय के दौरे के समय यह ईमोजी जारी किया गया। गौरतलब है कि अर्थव्यवस्था को गति देने और विनिर्माण उद्योग को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम मोदी सरकार का महत्वपूर्ण अभियान है। इसका उद्देश्य विश्व में भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। अमेरिका में सर्वाधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा है हिंदी। अमेरिका में बोले जाने वाली भारतीय भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है। इस देश में करीब 6.5 लाख लोग हिंदी बोलते हैं। जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2.5 लाख से अधिक लोग बांग्ला और 2.5 लाख से अधिक लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं, जबकि 73,000 से अधिक लोग मराठी, 5,000 से अधिक लोग उड़िया, करीब 1,300 लोग असमिया और करीब 1,700 लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं। करीब 2,50,000 लोग तेलुगु, 1,90,000 लोग तमिल, 1,46,000 लोग मलयालम और 48,000 लोग कन्नड़ भाषा बोलते हैं। करीब 600 लोग बिहारी और करीब 700 लोग राजस्थानी बोलते हैं। अमेरिका में घरों में अंग्रेजी के अलावा बोले जाने वाली शीर्ष भाषाओं में स्पेनिश, चीनी, फ्रेंच, कोरियाई, जर्मन, वियतनामी, अरबी, तगालोग और रूसी भाषा शामिल है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।